सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल स्टाइल एंड स्ट्राइक को और साथ दी गई बेल बटन को प्रेस कीजिए मेरी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है स्टाइल एंड स्ट्राइक। आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ अपना क्लीनअप रूटीन जो कि है विद पतंजलि प्रोडक्ट्स। और ये प्रोडक्ट सभी के सभी अंडर रुपीज 60 है, तो आपको ये जो फेशियल है वो अंडर रुपीज 60 नहीं उससे भी बहुत कम में पड़ रहा है, क्योंकि ये प्रोडक्ट बहुत बार यूज हो जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फेशियल स्टेप्स शुरू करने से पहले मैं अपने हेयर को टाई कर लूंगी ताकि हेयर बीच में ना आए जब मैं फेशियल कर रही हूँ। इसके बाद फर्स्ट स्टेप है फेस वॉश। तो फेस वॉश के लिए हमें अपना फेस वेट करना है, तो मैं यहाँ पे अपना फेस वेट कर रही हूँ। अब मैं लूंगी पतंजलि का सौंदर्य फेस वॉश। इसके अंदर ऑरेंज पील है, नीम है, तुलसी है, एलोवेरा है। ये बहुत अच्छे से सारी की सारी डर्ट को, ऑयल को रिमूव कर देता है। और ये ऑयली स्किन पीपल भी यूज़ कर सकते हैं एज वेल एज ड्राई स्किन पीपल भी यूज़ कर सकते हैं। और मेरे फेस पे मेकअप था तो मेकअप सारा का सारा ये रिमूव कर देगा। इस फेस वॉश के अंदर विटामिन ई भी है जो कि स्किन के लिए बहुत अच्छा है और स्किन को ये ड्राई भी नहीं होने देता और ना ही ज़्यादा ऑयली रहने देता है। सारा ऑयल, डर्ट और मेकअप ये रिमूव कर देता है बहुत अच्छे से। ये मेरा फेवरेट फेस वॉश है फ्रॉम पतंजलि। अब मैंने अपना ठंडे पानी से फेस वॉश कर लिया है और जो भी सारा मेकअप था वह उतर गया है मेरी स्किन से। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है स्क्रबिंग, और स्क्रबिंग के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ पतंजलि एप्रिकॉट स्क्रब। इसके अंदर वीट जम है और एलोवेरा है, ये भी ऑल स्किन टाइप्स है और ये बहुत अच्छे से डेड स्किन सेल्स को रिमूव कर देता है, ब्लैक हेड्स को रिमूव कर देता है, हमारी स्किन को टाइट करता है और टोन भी करता है और साथ ही साथ नरिश भी करता है, ड्राई भी नहीं होने देता स्किन को। तो मैंने जनरस अमाउंट में ये एप्रिकॉट स्क्रब लिया है और मैं इसे स्क्रब कर रही हूँ अपने फेस पे। ये चिन एरिया में भी मैं स्क्रब कर रही हूँ क्योंकि चिन एरिया में भी ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स होते हैं और जो भी नोज़ पे ब्लैक हेड्स होते हैं वो भी इससे रिमूव हो जाते हैं। और ये अपवर्ड मोशन में आपको करना है अगर आप अपने चीक्स पे स्क्रब कर रहे हैं, और अपने नोज़ पे, नोज़ को शेप देते हुए मैं स्क्रब कर रही हूँ। इस तरह से आपको स्क्रब करना है कि आपका फेस जो है वो अपलिफ्ट हो। तो आपको ये जो स्क्रब है वो 5 मिनट्स के लिए करना है क्योंकि ये स्क्रब बिल्कुल भी हार्श नहीं है स्किन के ऊपर। इसके अंदर बहुत कम और बहुत छोटी छोटी बीड्स हैं जो कि स्किन पे बिल्कुल भी हार्श नहीं लगते। देखिए बहुत छोटे छोटे बीड्स हैं इसके अंदर। अब मैंने फेस वॉश कर लिया है स्क्रब करने के बाद। सो नेक्स्ट स्टेप है फेस पैक। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ पतंजलि नीम एलोवेरा फेस पैक। इसके अंदर कुकुम्बर भी है और सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स बैक में मेंशन है। ये हमारे पोर्स को क्लियर करता है और हमारी स्किन पे एक कूलिंग इफेक्ट लेके आता है और सॉफ्ट करता है स्किन को। इसके अंदर नीम है तो ये एक्ने प्रोन स्किन के लिए बहुत अच्छा है, और कुकुम्बर है इसके अंदर जो कि एक नेचुरल टोनर है जो स्किन को हाइड्रेट करता है। उसके अंदर कूलिंग प्रॉपर्टीज़ भी हैं और इसके अंदर फुलर अर्थ मतलब कि मुल्तानी मिट्टी भी मिक्स है जो कि इम्प्योरिटीज़ को ख़त्म करती है, रिमूव करती है और हमारे स्किन को कूल करती है। और इसके अंदर एलोवेरा है जो कि स्किन को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट करता है और स्किन को हील करता है। और ये फेस पैक मैं 10 मिनट्स के लिए अपने फेस पे अप्लाई कर लूँगी। बहुत थिन लेयर मैं अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि मुझे थिक लेयर पसंद नहीं है, तो बहुत इवनली थिन लेयर मैं अप्लाई कर रही हूँ फेस पे। ये जो सारे स्टेप्स हैं फेशियल के, आप फेस के साथ साथ अपने नेक पे भी अप्लाई कीजिए ताकि इवन टोन लगे फेस और नेक की। तो आफ्टर 10 मिनट्स ये बिल्कुल सूख चुका है क्योंकि मैंने बहुत थिन लेयर लगाई थी, तो 7 to 10 मिनट्स के अंदर ही ये सूख गया है। अब मैं इसे वॉश कर लूँगी ठंडे पानी से। तो मैंने वॉश कर लिया है इसे ठंडे पानी से और मेरा नेक्स्ट स्टेप है टोनिंग। टोनिंग के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पतंजलि का गुलाब जल, और मैं इसे कॉटन पैड पर ले कर अपने फेस पर अप्लाई करूँगी। ये बहुत अच्छा गुलाब जल है, रोज़ वाटर है, इसमें बिल्कुल नेचुरल रोजेस की फ्रेग्रेंस आती है और बहुत अच्छा लगता है इसे अप्लाई करना, बहुत ज़्यादा अच्छा फ्रेश फील होता है इसे अप्लाई करने से। यहाँ
ध्यान रहे, आपको अपने फेस के साथ साथ नेक एरिया पे भी इसे अप्लाई करना है। जो सारे सारे स्टेप्स हैं वो आप नेक एरिया पे भी अप्लाई कीजिए। करने के बाद बहुत ज़्यादा सॉफ्ट फील हो रहा है स्किन पे और बहुत फ्रेश फील हो रहा है। अब लास्ट स्टेप है मॉइस्चराइजेशन, तो मैं मॉइस्चराइजेशन के लिए यूज़ कर रही हूँ सौंदर्य एलोवेरा जेल पतंजलि की, जो कि केसर चंदन के साथ है। यहाँ पे आप ग्रीन वाली पतंजलि की एलोवेरा जेल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मुझे केसर चंदन का जो फ्रेगनेंस होती है वो बहुत पसंद है, इसलिए मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ और थोड़ी थोड़ी मसाज कर रही हूँ अपनी स्किन पे अपवर्ड मोशन में। ये एलोवेरा जेल आपकी स्किन की जो भी रफनेस है, डलनेस है, उसको ख़त्म कर देगी और इसके अंदर बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं एलोवेरा के अंदर, तो ये आपकी स्किन को ड्राई भी नहीं होने देता, आपकी स्किन की टैनिंग, पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स सबको ख़त्म करता है। सो यहाँ पे ये मैं 5 मिनट्स के लिए मसाज कर रही हूँ और ये एलोवेरा जेल बिल्कुल एब्जॉर्ब हो जाएगी स्किन के अंदर और पता भी नहीं चलेगा, बिल्कुल स्किन को ऑयली भी नहीं करती और स्किन ड्राई भी नहीं होगी इससे। ये फेशियल आप 2 वीक्स में एक बार कर सकते हैं, इससे आपको बहुत ज़्यादा फर्क लगेगा अपनी स्किन पे, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लो करेगी। तो ये थे सारे स्टेप्स जो कि इस फेशियल में यूज़ होने हैं और इस फेशियल से आपको बिल्कुल पार्लर जैसा ग्लो मिलेगा और वो भी बिल्कुल अफोर्डेबल है। ये पार्लर में बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, अराउंड 1000-1500-2000 इतने के अराउंड आप फेशियल करवाते हो, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ईजी स्टेप्स हैं और बहुत अफोर्डेबल है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत इजी स्टेप्स थे, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे लिख लीजिए कि आपको ये फेशियल कैसा लगा और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।